हेलो एवरीवन, दिस इज़ कौशिकी राठौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो इस ड्रीम सिटी के बारे में है, मुंबई सिटी के बारे में है, और ये उन लोगों के बारे में है जो लोग बाहर से अलग अलग सिटीज से आते हैं मुंबई में अपना करियर बनाने, अपने गोल्स लेके, अपने ड्रीम्स लेके। कितने सारे ड्रीम्स होते हैं उनके, मुंबई जाके पूरे करेंगे, या हीरो हीरोइन बनना है, या फिर किसी भी क्षेत्र में नाम कमाना है मुंबई आकर। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मुंबई की मान्यता है कि यहाँ पर एक देवी है मुंबा देवी नाम से, एंड जो लोग यहाँ पर जाकर इनके दर्शन करते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं मुंबई में रहने की, एस्टैब्लिश होने की, तो उनके सारे ड्रीम फुलफिल हो जाते हैं। मेरे कई सारे क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब वो मुंबई आए और जब मुंबा देवी के बारे में उन्हें नहीं पता था, तो उन्हें मुंबई में रुकने में बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, लाइक घर ना मिल पाना, काम ना मिल पाना, इस्टैब्लिश नहीं हो पाए वो। एंड जब उन्होंने मुंबा देवी के दर्शन किए, वहाँ से इजाज़त ली मुंबई में रहने की, तो तब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मैं तो बहुत लकी थी, क्योंकि जब मैं मुंबई आई तो मैंने आते ही मुंबा देवी के दर्शन किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोग बताने वाले थे। तो मुझे तो बहुत कुछ दिया है मुंबई ने, बहुत कुछ दिया है, एंड मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो मुंबई आते हैं अपने ड्रीम्स लेके, तो इस मुंबा देवी के दर्शन करने ज़रूर जाएं। लड़की इतने वीडियोस क्यों बना रही है, फर्स्ट टाइम आई है? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई, फर्स्ट टाइम मैं रो गई थी, ये सेकंड टाइम है यहाँ पे। अभी तो मेरे साथ मोनिका है, तो शायद मुझे बचा रही है। ये झूठ बोल रही है, ये आई दिन ट्रैवल करती है। नहीं यार, तुम किस पे डिपेंड हो? दीदी को चैटिंग करा है। हम कहाँ पहुँच गए मुझे नहीं पता। ये प्रभा देवी है, इसके बाद मरीन लाइन आएगा। आर यू श्योर? मैं भी पहली बार आई थी। नहीं, मैं तो डेली ट्रैवल करती हूँ। मैं भी डेली ट्रैवल पहली बार हूँ। पता नहीं कहाँ आ गए हम, और पता नहीं खो गए हैं हम। देखते हैं, ट्रेन ट्रेन खेलेंगे आज। हमारे स्टेशन मिस हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए कि अब हम खो चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आज हम मंदिर पहुंच पाएंगे, मुझे लग रहा है कि आज हम ट्रेन ट्रेन करते हैं, बस जाना तो ट्रेन से ही। आफ्टर द कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रेन वी फाइनली रीच्ड मरीन लाइंस। आफ्टर रीचिंग मरीन लाइंस वी हैव टू टेक अ टैक्सी फ्रॉम हियर। I love this part of Mumbai. Look at these old buildings. I love it. Aur ye building, my god. After getting down from the taxi, we'll have to walk to the temple. Because ये area इतना crowded है कि कोई भी vehicle अंदर तक नहीं जाता, और जो जाता है वो फर्स्ट जाता है। तो हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, हम walk करके चले जाएंगे। और I don't know, हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये बिल्कुल चांदनी चौक जैसा लगता है ना। Me too.
ये जो मार्केट है इसकी खासियत ये है, ये मुंबई का सबसे फेमस ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पे हर तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी और लोग शादी के लिए यहीं से शॉपिंग करने के लिए आते हैं ज्वेलरी एंड ऑल की। फाइनली हमें मंदिर दिख गया है, अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी एक दोस्त है जो वेट कर रही है। आई एम सो सॉरी, जो फ्रेंड हमारा वेट कर रही है हम उसकी शक्ल नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो यू नो आप समझते हो ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। चमत्कार से दर्शन हुए, एकदम चमत्कार से, मैं बता नहीं सकती, बस मेरी शक्ल देखो कितनी खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चमत्कारी दर्शन हुए हैं जिसे मैं वीडियो में ना अच्छे से दर्शन।